गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बताया था। उस फॉर्मेट के बेस पर आज इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2019 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, और उन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया बिजनेस में 5 लाख रुपीज ए ने और 3 लाख रुपीज बी ने। 31 अक्टूबर 2019 को ए ने फर्म को 2 लाख रुपीज का लोन दिया, वो भी बिना किसी एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट के। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो अर्न हुआ था फर्म को एंड ऑफ द ईयर, वो 4,30,000 रुपीज का हुआ था। और आपको इसका ट्रीटमेंट बताना है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको मैंने जो फॉर्मेट बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आप इस इलस्ट्रेशन को देखिए। इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट फर्म को अर्न हुआ है वो 4,30,000 रुपीज का हुआ है। तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इसको बाय पी एंड एल के नाम से 4,30,000 रुपीज लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें से 3 रेवेन्यू आइटम माइनस होते हैं, अगर आपको याद हो तो। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि रेंट पेड अगर आपने किया है पार्टनर को तो वो माइनस होता है। इंटरेस्ट अगर आप पार्टनर ने किसी फर्म को दी है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगती है वो लोन पर, वो भी माइनस होगी। और मैनेजर कमीशन माइनस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से एक चीज दे रखी है कि पार्टनर ने लोन दे रखा है, और लोन दिया है पार्टनर ने 2 लाख रुपीज का, और वो भी 31 अक्टूबर को। यानी टोटल जो लोन दिया है उस लोन पर 6 महीने की आपको इंटरेस्ट चार्ज करनी है, फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 दिसंबर। तो यानी जो आपकी इंटरेस्ट होगी वो 6 महीने की होगी, तो वो 6 महीने की इंटरेस्ट आएगी 5,000 रुपये। तो 4,30,000 में ये रेवेन्यू एक्सपेंस 5,000 माइनस करेंगे तो अवेलेबल प्रॉफिट होगा 4,25,000। कोई अदर पार्टनर के एक्सपेंसेस इसमें गिवन है नहीं, तो यही टोटल लगाकर यही हमारा बैलेंस हो जाएगा। और इस बैलेंस को मैंने बताया था आपको प्रॉफिट के नाम से ट्रांसफर करते हैं, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, क्योंकि रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं। और मैंने आपको बताया था कि विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड अगर प्रॉफिट एंड लॉस बांटना हो तो इक्वली बांटा जाता है। तो 4,25,000 को ए और बी में अगर हम इक्वल बांटेंगे तो 2,12,500 रुपीज ये डिवीजन हो जाएगा प्रॉफिट का। कल मैंने आपको एंट्री का भी एक वीडियो भेजा था, तो उस अगर एंट्री हम प्रॉफिट को डिवाइड करने की करें तो उसकी एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और इस 4,25,000 को हम इक्वली 2,12,500 डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। अब आ जाइए आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कह रहा है कि अमन और बोमन ये दो पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि इक्वल ही प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बिजनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी में चलाया जाता है जो अमन की है, और अमन उस प्रॉपर्टी को रेंट पर बिजनेस को दे रखा है, और उसके बदले में 24,000 रुपीज उसे इंटरेस्ट रेंट रिसीव होता है। अमन को सैलरी रिसीव होती है 1,20,000 रुपीज की, और बोमन को कमीशन रिसीव होता है 5% नेट सेल का, और जो नेट सेल है 30 लाख रुपीज। प्रॉफिट जो एंड में रिसीव हुआ है फर्म को अर्न हुआ है वो रेंट देने से पहले का है 5 लाख रुपीज। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है कि सबसे पहले जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो बाय पी एंड एल के नाम से 5 लाख रुपीज। मैंने बताया कि 3 जो आइटम है रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और मैनेजर कमीशन, ये 3 अगर आइटम दे रखे हैं तो ये माइनस होते हैं। तो यहाँ पे रेंट पेड दे रखा है, तो रेंट पे आप अमन को कर रहे हैं 24,000 रुपीज ईयरली। तो 5 लाख में अगर 24,000 का रेंट पे होगा तो अवेलेबल एक्चुअल प्रॉफिट बचा 4,76,000। ध्यान रखिए क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन नहीं दे रखा है, पार्टनर कमीशन दे रखा है। तो पार्टनर कमीशन इसमें से माइनस नहीं होता, सिर्फ मैनेजर कमीशन इसमें से माइनस होता है, इसलिए हमने बोमन का कमीशन इसमें से माइनस नहीं किया है। अब अमन को सैलरी देनी है 1,20,000 रुपीज पर एनम, तो टू अमन सैलरी 1,20,000। बोमन को कमीशन देना है हमें 30 लाख रुपीज की सेल का, यहाँ पे दे रखा है कि सेल ऑफ 30 लाख रुपीज और उसका 5%। तो 30 लाख रुपीज का अगर आप 5% निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 1,50,000 रुपीज। इसे लिखेंगे हम टू बोमन कमीशन के नाम से। तो बोमन कमीशन के नाम से 150, अमन सैलरी के नाम से 120, यानी टोटल एक्सपेंस हो गया 270।
4,76,000 का प्रॉफिट था। 4,76,000 के प्रॉफिट में से ये 270 के एक्सपेंस माइनस किए तो अवेलेबल प्रॉफिट बचा 2,06,000। इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन कैपिटल बोमन कैपिटल, क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो 2,06,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये 1,03,000 और 1,03,000 रुपीज ईच ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है।